अगर आप लोग का फ्री फायर के अंदर एक्सटेंशन पैक कुछ इस तरह से डाउनलोड नहीं हो रहा है एंड गाइस आप लोग डाउनलोड रिकमेंडेड रिसोर्स कुछ इस तरह से प्लीज सॉर्ट एंड बहुत सारा कुछ अलग अलग ऑप्शन हो रहा है तो आप लोग इधर से देखो, मैं ऑलरेडी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर चुका हूँ। देखो मेरा ऑलरेडी डाउनलोड हो रहा है एंड इधर से देखो डाउनलोड नहीं हो रहा है। मतलब इस प्रॉब्लम सॉल्व का वीडियो मैं थोड़ा सा दिखा चुका आप लोग को एंड इस वीडियो के अंदर मैं आप लोग को बताऊंगा किस तरीके से आप लोग को ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है। मतलब एक्सटेंशन पैक डाउनलोड नहीं होता है, बहुत सारा कुछ होता है जो कि एक्सटेंशन के पैक के अंदर से बहुत सारा ग्लीचेस होता है। तो ये गाइस होता है, आप लोग का फोन का ग्लीच भी होता है काफी टाइम होता है जो कि गाइस आप लोग को फ्री फायर का ही ग्लीच। मतलब गाइस दोनों प्रॉब्लम सॉल्व करने का मैं आप लोग को तरीका दिखाऊंगा, इसलिए वीडियो को गाइस आप लोग पूरा जरूर देखना एंड गाइस इधर से जितना भी कोशिश कर लो तो आप लोग को डाउनलोड नहीं होगा। एंड उसी के साथ गाइस आप लोग को एक चीज कमेंट करके बताना होगा, आप लोग कौन सा कंपनी का फोन यूज करते हो। मतलब ओप्पो, वीवो, वन प्लस, सोमी, जो भी कंपनी का फोन आप लोग यूज करते हो मुझे आप लोग कॉमेंट करके बताना। एंड गाइस अगर आप लोग को फ्री में रिडीम कोड चाहिए तो इंस्टाग्राम पर जाके जरूर आप लोग फॉलो कर लेना, फ्री में मैं रिडीम कोड देता रहता हूँ। सो चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो का मेन टॉपिक के ऊपर। सो आप लोगों को करना क्या है तो कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो सबसे पहले गाइस आप लोग को जो कि फ्री फायर का जो सेटिंग है इसके ऊपर आप लोग को क्लिक करना होगा। तो क्लिक करने के बाद इधर से आप लोग को बेसिक ऑप्शन नजर आएगा, तो बेसिक ऑप्शन के अंदर आप लोग को ऑटो डाउनलोड रिकमेंडेड रिसोर्स कुछ इस तरह से एक ऑप्शन नजर आएगा। तो ये गाइस अगर आप लोग को गलती से आप लोग को ऑन हो जाता है तो ये आप लोग ऑफ कर देना। क्या होता है ऑटोमेटिकली ये अपडेट होता रहता है, इसलिए ऐसा दिक्कत भी देखने को मिलता है काफी कभी टाइम में, तो इसको ऑफ कर देना। ऑफ करने में नीचे में आप लोग को देखने को मिलेगा, थोड़ा सा नीचे से जाओगे तो आप लोग को ब्राउजर कैचअप का ऑप्शन देखने को मिलेगा, उसके साइड में आप लोगों को क्लियर कैचअप ऑप्शन देखने को मिलेगा। ये मैं आप लोग नॉर्मल तरीके दिखा रहा हूँ, तो इसके ऊपर क्लिक कर देना, कॉन्फर्म कर देना सिर्फ, ठीक है। उसके बाद नीचे में आप लोग को रिपोर्ट नेटवर्क इशूज के ऊपर भी क्लिक कर देना, रिपोर्टिंग हो जाएगा, देन गाइस आप लोग को रिपोर्ट सक्सेसफुल दिखाएगा, ठीक है। तो ये पहला स्टेप मैं आप लोग को नॉर्मल स्टेप बता दिया, तो अभी बढ़ते गाइस जो कि मेन स्टेप के अंदर। तो सिंपल सा गाइस आप लोग फोन का होम स्क्रीन पे आ जाना, आने के बाद गाइस आप लोग को फ्री फायर मैक्स, फ्री फायर जो भी आप लोग मुझे कॉमेंट करके बताओ कौन सा एप्लीकेशन आप लोग यूज करते हो, फ्री फायर मैक्स या नॉर्मल फ्री फायर जो भी यूज करते हो, उसके ऊपर आप लोग को सिर्फ आप लोग को लॉन्ग प्रेस करके रखना है, मतलब टैप करके रखना है। टैप करने के बाद आई या एप इन्फो दोनों तरीके से अगर ऑप्शन आ रहा है, मेरा देख सकते हो एप इन्फो लिखा हुआ रहा है, साइड में आई ऑप्शन आ रहा है, मतलब आई का कुछ राउंड करके दिखा रहा है, ठीक है। तो अगर गाइस आप लोग दोनों में से कोई सा ऑप्शन आ रहा है उसके ऊपर क्लिक कर देना, मेरा ऐप इन्फो आया था, एप इन्फो के ऊपर मैं क्लिक कर दिया। तो क्लिक करने के बाद कहना क्या होगा, तो इधर से गाइस आप लोग बहुत सारा कुछ ऑप्शन दिखाई देगा, तो आप लोग को पहले ऐप परमिशन के अंदर जाना, सब कुछ परमिशन जितना भी परमिशन मांग रहे हैं सब कुछ अलाउ कर देना है फ्री फायर, ठीक है। तो उसके बाद गाइस आप लोग को करना क्या होगा, उसके बाद इधर से बहुत सारा कुछ सेटिंग ऑप्शन दिखाई देगा, क्लिक करना है डेटा यूजर्स के अंदर। डेटा यूजर्स के अंदर क्लिक करने के बाद आप लोग का बैकग्राउंड जो डेटा है वो आप लोग को ऑन रहना चाहिए, ठीक है। तो लास्ट वाला ऑप्शन देख सकते हो, मेरा ऑलरेडी ऑन है तो मैं आप लोग को बता दिया। एंड उसके बाद गाइस आप लोग को करना क्या होगा, उसके बाद इधर से आप लोग बहुत सारा कुछ सेटिंग ऑप्शन आएगा, स्टोरेज के ऑप्शन के अंदर क्लिक करना होगा। स्टोरेज यूजर्स के ऊपर क्लिक करने के बाद आप लोग को क्लियर कैचअप ऑप्शन नजर आएगा, क्लियर कैचअप कर देना होगा। तो क्लियर कैचअप करने के बाद इधर से काम खत्म। हाँ गाइस इधर से एक इंपॉर्टेंट चीज मैं छोड़ रहा हूँ, क्योंकि गाइस मैं लास्ट में वो बताऊंगा कैसे करना है, वो मतलब डिफरेंट टाइप का है, तो इसलिए मैं लास्ट में बताऊंगा। उसके बाद क्या करना, फोन को होम स्क्रीन पे आना, होम स्क्रीन पे ध्यान में रखना, देन पावर बटन को लॉन्ग प्रेस कर रखना आप लोगों को फोन का, देन रिस्टार्ट या रिबूट कोई भी ऑप्शन आ रहा है, मेरा ऊपर में देख सकते हो रिस्टार्ट का ऑप्शन आ रहा है, तो ऊपर में स्वाइप कर दूंगा मेरा फोन रिस्टार्ट हो जाएगा। तो अगर आप लोग रिस्टार्ट या रिबूट दोनों में से कोई सा भी ऑप्शन आ रहा है उसके ऊपर क्लिक कर देना, फोन ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ होगा, ऑटोमेटिकली फोन ऑन हो जाएगा। तभी गाइस आप लोग ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, तो फिर से आप लोग ऐप इन्फो के अंदर आ जाना, जो कि गाइस आप लोग फ्री फायर को लॉन्ग प्रेस करके, देन गाइस इधर से आप लोग को स्टोरेज के ऊपर आप लोग को क्लिक कर देना। स्टोरेज के ऊपर क्लिक करने के बाद इधर से आप लोग को क्लियर डेटा ऑप्शन नजर आएगा, उसके ऊपर क्लिक कर देना, डिलीट ऑप्शन नजर आएगा। तो आप लोगों को एक बात मैं कॉन्फर्मेशन के लिए बता देता हूँ, अगर गाइस इसको करोगे डिलीट के ऊपर क्लिक कर दोगे तो सारा आप लोगों को फ्री फायर के अंदर जितना भी सेटिंग करके रखो, कस्टम एचयूडी जो भी है सब कुछ डिलीट हो जाएगा, मतलब क्लियर डेटा अगर आप लोग इधर से करोगे, मतलब डिलीट का ऑप्शन क्लिक करोगे। तो एक बात ध्यान रखना है, जो कि फ्री फायर जब नया इंस्टॉल करते हो जैसे ही होता है वैसे आप लोगों को सब कुछ सेटअप करना है, ठीक है। तो ये बात आप लोगों को ध्यान में रखते हुए सब कुछ करना होगा। एंड गाइस अभी आप लोगों को मैं फ्री फायर को ओपन करके दिखा देता हूं क्या मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है या मैं ऐसे ही मतलब फालतू सा बता रहा हूं।
तो देखो गाइस मैं फ्री फायर को ओपन कर लिया, तो ओपन करने के बाद थोड़ा सा तो टाइम ही लगता है, आप लोगों को पता है ऐड वगैरह आ रहा है, मैं कार्ड कर देता हूँ, ठीक है। तो पहले मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ जो कि देखो ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो रहा है, देखो इधर से जो कि डाउनलोड होता ही जा रहा है, तो देखो ये गाइस बिल्कुल डाउनलोड हो रहा है, ठीक है। तो उसके बाद मैं आप लोगों को एक एक करके कस्टम पैक को दिखाता हूँ डाउनलोड करके। तो इधर से कौन सा मैं डाउनलोड कर, हाँ इसको इमुनी को डाउनलोड कर लेता हूँ, देख सकते हो डाउनलोड हो रहा है, ठीक है, देख सकते हो डाउनलोड हो चुका है। तो कुछ इस तरीके से इस प्रॉब्लम को आप लोग सॉल्व कर सकते हो, खत्म कर सकते हो। सो गाइस आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब कर लेना, इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो कर लेना, यूजर नेम पीजी गेमर पीजी एंड फ्री में रिडीम कोड चाहिए। तो सो गाइस मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ, तब तक गाइस टेक केयर, बाय बाय।